नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सोनकच्छ न्यायालय में पदस्थ पुलिसकर्मी प्रदीप सेंधव के बैंक खाते में गलती से बुधवार को 40,000 रूपए गूगल के माध्यम से आ गए थे। ये गलती शिक्षक से हो गई थी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय दाबलासिया महितपुर के जसवंत सिंह तंवर ने अपने पुत्र बने सिंह से गूगल के माध्यम से ट्रैक्टर की फाइनेंस की किस्त जमा करने के लिए मोबाइल दिया था। गलती से बैंक अकाउंट नंबर में एक अंक गलत लिखा गया था, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी सेंधव के खाते में राशि आ गई थी। मामले का पता लगने पर गुरुवार को तंवर बैंक पहुंचे। वहां पर बैंक कर्मियों ने बताया कि जिसके खाते में रुपए गए वो व्यक्ति डीआरपी लाइन उज्जैन में पदस्थ है। तंवर डीआरपी लाइन में जब पहुंचे कि उनका ट्रांसफर देवास जिले में हो गया है। फिर तंवर ने जिस मोबाइल नंबर पर उक्त राशि गई उस पर फोन लगाया, जहां प्रदीप सेंधव को पूरी घटना बताई। सेंधव ने कहा कि राशि मेरे खाते नहीं है, आप आ जाइए लौटा दूंगा। शुक्रवार को शिक्षक तंवर सोनकच्छ पहुंचे, जहां पर सेंधव ने पूरी जांच करते हुए गूगल पे के माध्यम से राशि उनके खाते में भेज दी। तंवर को उक्त राशि से बैंक की किस्त जमा करनी थी। पुलिसकर्मियों द्वारा 40,000 रूपए लौटा कर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पुलिसकर्मियों की ईमानदारी पूरी कोर्ट में चर्चा रही। जिस व्यक्ति को भी पता चला इस बात का, तो सभी पुलिसकर्मियों की ईमानदारी प्रशंसा की है। सर, मैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था पापा के अकाउंट से, तो क्या हुआ कि मैं गूगल पे वगैरह से ट्रांसफर कर दिया था और मेरे अकाउंट में के बजाय इन भाई साहब के अकाउंट प्रदीप जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए एक अंक मिस्टेक के कारण। तो उन्होंने फिर हमने बैंक वाले से संपर्क किया, उन्होंने इनका अकाउंट नंबर वेरीफाई करके इनका पूरा बता दिया हमको कि इनका ये वहाँ सोनकच्छ में रहते हैं और इनसे जाके संपर्क कर लो। इनके फ़ोन लगाया हमने, इन्होंने फ़ोन उठाया और बात की हमसे कि भैया मैं मेरा अकाउंट देख के आपका पैसे आ गया तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैं आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो फिर इनके पास आए तो इन्होंने हमारा पैसा भी रिटर्न वापस कर दिया। कितने रुपए थे आपके? 40,000 रुपए थे। 40,000 रुपए, तो आप क्या मानते हैं इनको, किस तरह व्यवहार रहा? बहुत ईमानदार आदमी है, इन्होंने आज मानवता का परिचय दिया कि व्यक्ति को आजकल के ज़माने में 5,000 रुपये के कारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, परंतु इन्होंने हमारे इतने पैसे लुटा दिए हैं, तो इनको हम धन्यवाद देने लगे। इनके मोबाइल से मेरे खाते में पैसे आ गए थे गूगल पे द्वारा, इनका फिर फोन भी आया मेरे पास। कितने रुपए थे, किस तरह आए? 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। फिर क्या हुआ? इनका फ़ोन आया मेरे पास में, मैंने बात की इनसे, इनको बताया मैं कि आप घबराइए मत, आपके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो ये आए मेरे गूगल पे से, इनके खाते में पैसे पहुँचा। कहाँ से आए थे ये लोग? कहाँ? ये महितपुर से आए। कहीं आपके मन में यह तो विचार नहीं आया कि नहीं देना है या कुछ तरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इनको रात को ही बता दिया था कि आप घबराइए मत, मैं आपके पैसे वापस दूँगा। महितपुर से 150 किलोमीटर दूर से है। 150 किलोमीटर। सोनका से योगेश ओझा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।